everyone, and welcome back to yet another video from my channel, Interactive Education, running for the best education possible from the student to the student. मैं हूं जयदीप सिंह और मैं आ गया हूं वापस एक और प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड का सिक्स्थ लेक्चर लेकर, और ये होगा ऑन द यूनिट इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट. तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव को लेकर पढ़ा है. और यहाँ आप बात नोट करेंगे कि हिस्ट्री में जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले हम बाहर के एस्पेक्ट का पढ़ते हैं और फिर हम इंडिया में आते ही आते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं. तो हम 5 यूनिट्स में बाहर का कवर कर चुके हैं, आगे के 4 यूनिट्स में हम कवर करेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया का क्या हाल था और इंडिया का बेसिकली प्रिंट से क्या नाता था, कैसे इंडिया में प्रिंट डेवलप हुआ. तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर यूनिट को अगेन आपने दो भागों में करके पढ़ना है. पहला भाग होगा आपका इंडिया बिफोर द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट, दूसरा होगा इंडिया आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंट. ठीक है, तो ऐसे अगर आप यूनिट वाइज को डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे इट बिकम्स वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड द स्टोरी बिकम्स क्रिस्टल क्लियर. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विदाउट एनी फर्दर अडू. तो पहला बात आती है बिफोर द एज ऑफ प्रिंट, बिफोर, पहले, प्रिंट के आने से पहले इंडिया में क्या सिचुएशन थी. इंडिया में प्रिंट के आगमन से पहले भी हम लोग अपनी स्टोरीज, कथाएं, अकाउंट्स लिखा करते थे, बट दे यूज्ड टू बी इन द फॉर्म ऑफ हिडन मैन्यूस्क्रिप्ट, हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट. दे वर नॉट प्रिंटेड, दे वर हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट. और इनको 3 मेजर लैंग्वेजेस में लिखा जाता था, संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन. इनको वर्नैक्युलर लैंग्वेजेस, लोकल लैंग्वेजेस में भी लिखा जाता था, बट मेनली संस्कृत, अरेबिक एंड पर्शियन. ठीक है, दूसरी बात, ये हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती थी भाई. इनको ऐसे लिखा जाता था कि कुछ पाम के पत्ते होते थे, पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर, ईदर वन ऑफ देम में इन्हें कॉपी किया जाता था. ठीक है, तो अगर आपके पास कोई थोड़ी सी इंक है या कुछ कोई लिखने लायक कोई इंक टाइप की चीज है और उसको आप पाम लीव्स पे सुंदर तरीके से उतारें तो ऐसे आपकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स तैयार हो जाती है. तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर मेड ऑन पाम लीव्स और हैंडमेड पेपर, अगेन दैट्स इंपॉर्टेंट. तो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स होती थी, इन्हें पाम लीव्स या हैंडमेड पेपर पर बनाया जाता था. अब इनकी प्रिजर्वेशन कैसे की जाती है, ऑब्वियसली ये प्रिंटेड मटीरियल नहीं है. ठीक है, और इनको लिखा भी बायोलॉजिकल मटेरियल पे लिखा जा रहा है, इनको पाम लीव्स पे लिखा जा रहा है, हैंडमेड पेपर पे लिखा जा रहा है, ये बायोडिग्रेडेबल चीजें हैं. इनको अगर आप थोड़ी देर रखोगे ये डिग्रेड हो जाएंगी. ठीक है, क्योंकि नॉर्मल पेपर तो है नहीं है. तो ये क्या करेंगे, इनको प्रिजर्व करने के लिए कुछ करना पड़ता था. और इन्हें क्या करना पड़ता था, दे वर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स. तो कोई लकड़ की कवर होती थी, लकड़ की कवर होती थी, उसके अंदर इन्हें घुसाकर प्रेस कर दिया जाता था ताकि ये खराब ना हो. तो पहला है, दे यूज्ड टू बी प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स और स्यून टुगेदर, इन्हें इकट्ठे बांध दिया जाता था. अब सपोज कोई भी बात है, ऐसे पाम के पत्ते मैंने 4-5 लिए जिसपे मैंने लिखा हुआ है, इनको सील दिया तो बाइंडिंग हो गई ना एक तरह से, बस उसकी बाइंडिंग की मैंने और कुछ नहीं, तो इनको बाइंड कर दिया जाता था. तो दे वर स्यून टुगेदर, मतलब इन्हें सील दिया जाता था इकट्ठे, या दे वर प्रेस्ड बिटवीन वुडन कवर्स. तो ये एज ऑफ प्रिंट के पहले की बात है जब मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे. बट यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इवन बिफोर प्रिंट केम टू इंडिया वी डिड हैव आवर मींस ऑफ राइटिंग आवर अकाउंट्स. ठीक है, कुछ स्टोरीज, स्क्रीन प्ले, लाइक पोएम्स, लिरिक्स, ये सब हम लिखा करते थे लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट्स पे होती थी. ठीक है, लेकिन ये जनरली मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहानियों के बारे में नहीं होती थी, ज्यादातर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स इनमें ज्यादा होते थे. ठीक है, बट एनीवेज केस प्रिंटिंग से पहले भी हमारे यहाँ लिखा जाता था, दैट्स व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, राइट. अब हमने ये सब मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या थे. अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स के कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे और ये तो ऑब्वियस बात है. एक तो मैंने आपको कहा है कि ये खराब बहुत जल्दी हो जाते थे तो इन्हें प्रिजर्व करना पड़ता था. तो दे वर फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मींस ये आसानी से खराब हो सकते थे या तक कि आसानी से फट भी सकते थे. ऑब्वियसली इनको हैंडमेड पेपर पे लिखा जा रहा है, पाम के पत्तों पे लिखा जा रहा है, ऑब्वियसली आसानी से फट सकते हैं. सो दे कैन बी इजीली डिस्ट्रॉयड. फ्रेजिलिटी मींस आराम से खराब हो जाने वाली चीज या डिस्ट्रॉय हो जाने वाली चीज या टूट जाने वाली चीज. ठीक है, तो वो एक्सट्रीमली फ्रेजाइल होते थे और ज्यादा यहां से यहां क्योंकि इन्हें हैंड से लिखा जाता था, हस्तलिखित होते थे क्योंकि इन्हें हैंड से लिखा जाता था, दैट्स व्हाई दे वर एक्सपेंसिव. ऑब्वियसली कोई भी चीज अगर आप अपने हाथ से बनाते हैं ना तो वो एक्सपेंसिव हो जाती है. आज की डेट में भी अगर मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊं विदाउट एनी यूज ऑफ मशीन देन इट्स वैल्यू इंक्रीमेंट्स अ लॉट, क्योंकि कोई भी हस्त से बनाई हुई चीज
ठीक है, उसकी बहुत वैल्यू होती है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स बहुत 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 वैल्यूबल होते, तो एक्सपेंसिव होती थी और फ्रेजाइल होती थी। दूसरा है कि इसको केयरफुली हैंडल किया जाना पड़ता था, तो मैंने आपको बताया क्योंकि फ्रेजाइल थी, क्योंकि फ्रेजाइल थी इसे हैंडल आसानी से नहीं किया जा सकता था, इसे आराम से हैंडल करना पड़ता था। तो इट हैड टू बी हैंडल्ड केयरफुली बिकॉज इट वाज फ्रेजाइल। एंड थर्ड पॉइंट ये थी कि क्योंकि देखो भाई ये प्रिंट तो हुआ नहीं है, ये मैंने अपनी हैंडराइटिंग में लिखा है। अब क्योंकि मैंने खुद लिखा है इसीलिए इट वाज नॉट इजीली रीडेबल। अब देखो मैं अपने सारे नोट्स लिखता हूँ, मेरे पास एक टैबलेट है जिससे मैं ये नोट्स लिखता हूँ। अब अनफॉर्चुनेटली मे बी सम पीपल कैन नॉट रीड इट दैट वेल बिकॉज माय हैंडराइटिंग मे नॉट बी लेजिबल टू सम पीपल। उसी लॉजिक को लगाकर यहाँ पे भी देखा जा सकता है कि क्योंकि लोगों की हैंडराइटिंग अलग होती थी, वेरिएशन इन स्टाइल ऑफ राइटिंग, कुछ लोग आर को ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग आर को ऐसे लिखते हैं, मैं मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हैं क्योंकि स्टाइल में वेरिएशन था इसलिए इन्हें आराम से पढ़ा नहीं जा सकता था बाय एवरीबडी, ठीक है, क्योंकि ये प्रिंटेड नहीं थे। प्रिंटिंग का क्या होता है, इट्स ए यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म राइटिंग एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह आर ऐसा ही होगा और कैसा नहीं होगा, प्रिंटिंग का ये फायदा होता है। लेकिन इन हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स का ये था कि बिकॉज देयर इज अ वेरिएशन इन स्टाइल, दिस अ वेरिएशन इन स्टाइल, सो इट कुड नॉट बी इजीली रेड बाय एवरीबॉडी, ठीक है। तो यहां आपको समझना है ये तीन डिसएडवांटेजेस, दिस कैन बी एज अ पोटेंशियल क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपको समझना है। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये बात थी बिफोर प्रिंट केम टू इंडिया क्या सिचुएशन थी, ये हमें बताता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, दैट्स गोना बी प्रिंट कमिंग टू इंडिया। तो अभी मैंने आपको कहा था इस चैप्टर को दो भाग में पढ़ना है, प्रिंट बिफोर इंडिया बिफोर प्रिंट केम, नाउ प्रिंट फाइनली कम्स टू इंडिया, ठीक है। बताइए जी हमें कौन क्या क्या देकर गया है, सारा कुछ अंग्रेज देकर गए हैं, हमारी जो नेचुरल कल्चर है सब अंग्रेज तबाह करके अपना ला कर गए हैं। अब प्रिंट प्रेस प्रिंटिंग प्रेस और प्रिंट का कल्चर भी फॉरेन आइडिया है, तो कौन लेकर आएगा, फॉरेन वाले लेकर आएंगे। कौन से फॉरेन वाले लेकर आए, इस बारी पोर्चुगीज लेकर आए। सो प्रिंटिंग प्रेस वॉज ब्रॉट बाय द पोर्चुगीज मिशनरीज हु फर्स्ट केम टू गोवा। ये याद रखिए पोर्चुगीज मिशनरी सिर्फ गोवा में रहे और किसी कंट्री में उन्होंने कब सॉरी किसी और स्टेट में उन्होंने कॉलोनाइज नहीं किया। इवन टिल इंडिपेंडेंस गोवा में पोर्चुगीज ही थे, ब्रिटिश नहीं आ पाए थे। क्या मेरी बात क्लियर है, तो आपको ये इजीली अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि अगर वो पोर्चुगीज मिशनरीज लाए हैं तो वो गोवा से ही लाए होंगे। सो प्रिंटिंग प्रेस वॉज ब्रॉट बाय पोर्चुगीज मिशनरीज हु केम टू गोवा। पोर्चुगीज मिशनरीज जो क्रिश्चियन लोग हैं, पोर्चुगीज लोग जो गोवा आए थे, तो वो ये प्रिंटिंग प्रेस लाए थे। कब लाए थे, मिड 17th सेंचुरी में लेकर आए थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, बहुत अच्छे से नोट सब कुछ उन सब पैरास को मैंने समराइज कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए प्रिंटिंग प्रेस पोर्चुगीज मिशनरीज गोवा जब आए थे मिड 17th सेंचुरी में लेकर आए थे। अब यहां पे ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आप याद कर सकते हैं, एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। जनरली डेट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इफ यू वांट टू यू नो रिमेंबर देम इट्स गुड। पहले आता है 1674 में कोंकणी और कनाडा भाषा में 50 किताबें पब्लिश कर दी गई। तो बाय 1674 50 बुक्स इन कोंकणी एंड कनाडा लैंग्वेजेस वर पब्लिश्ड। 1579 ये इंपॉर्टेंट डेट है, 1579 में पहली तमिल बुक पब्लिश की गई, कहां पे, कोचिन में। यहां जो कॉन्ट्रडिक्शन ये आती कि कोचिन तो केरल में है तो वहां तमिल बुक क्यों बनी, वहां तो मलयालम बुक बननी चाहिए थी, लेकिन मिशनरीज वहां तमिल बुक बनाई। तो फर्स्ट तमिल बुक वाज मेड इन 1579 इन कोचिन, द कोस्टल एरिया ऑफ केरला। आगे चलते हैं 1713 पर, 1713 में द फर्स्ट मलयालम बुक वाज पब्लिश्ड। तो पहली मलयालम बुक 1713 में आई, 1579 में पहली तमिल बुक कोचिन में आई, और 1674 तक 50 बुक्स कोंकणी में बन चुकी थी। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है, इन डेट्स को याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन रिमेंबर, कल को आप यूपीएससी लिख रहे हैं तो इस सब का बहुत फायदा रहता है, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये सब तो हमने देख लिया कि कैसे प्रिंटिंग वगैरह हुई, थोड़ा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा। अब देखिए आपको पता है इंडिया में जो भी आर्टिस्टिक ज्यादा जो चीजें हुई हैं, क्योंकि बंगाल वॉज द कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश, मेजर कैपिटल ऑफ द ब्रिटिश, तभी वहीं से ये ज्यादातर चीजें स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो उस बंगाल को ही अभी हम देखने वाले, और बंगाल में एक अंग्रेज आदमी आए थे, एक ब्रिटिश आदमी आए थे जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। अब ये जो जेम्स ऑगस्टस हिकी थे ये एक जर्नलिस्ट बाय प्रोफेशन थे, और इन्होंने 1780 से बंगाल गजेट को एडिट करना शुरू किया। इन्होंने फाउंड नहीं किया था उस न्यूज़पेपर को, प्लीज याद रखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगेन, बट रिमेंबर दे डिड ही डिड नॉट
डिस्कवर और स्टार्ट द बंगाल गजट, ही स्टार्टेड एडिटिंग द बंगाल गजट. कोई एडिटर होता है न्यूज़पेपर का, उसको एडिट करना इन्होंने शुरू किया था 1780 से. ठीक है, अब इनके कुछ कुछ फीचर्स अगर आपको शॉर्ट नोट में पूछे जाएं तो ये सब तीन पॉइंट्स आपको लिखने हैं. पहला, ही पब्लिश्ड एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स उन्होंने बंगाल गजट में खुल खुल कर पब्लिश की. किस पर? सेल एंड इंपोर्ट ऑफ स्लेव्स, जो कि एक नॉर्मल बात थी. इट वॉज कॉलोनियल इंडिया, और कॉलोनियल इंडिया में सेल एंड इंपोर्ट्स ऑफ स्लेव्स कॉमन बात थी, कॉमन पब्लिशिंग होती थी न्यूज़पेपर्स में. ठीक है, तो ही स्टार्टेड पब्लिशिंग एड्स टू सेल एंड इंपोर्ट्स ऑफ स्लेव्स. दे हैड नो प्रॉब्लम, द ब्रिटिश हैड नो प्रॉब्लम विद दिस. लेकिन ब्रिटिश को कब प्रॉब्लम हुई? ब्रिटिश को प्रॉब्लम तब होने लगी जब उन्होंने सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स के बारे में गॉसिप लिखनी शुरू कर दी. देखिए, अभी आप सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स के बारे में बहुत कुछ लिखने लगे हैं, भैया उसकी चुगली, इसकी चुगली, इसकी अंदर की कहानी मुझे पता है. आपको बहुत खबरी दिखेंगे आजकल, हैं ये जर्नलिस्ट बहुत बड़े खबरी खबरी, हमारे सूत्रों के मुताबिक, तो यही सूत्रों के मुताबिक वाली कैटेगरी से ये थे, और इन्होंने बहुत गॉसिप सीनियर ऑफिशियल्स के बारे में लिखी, कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के सीनियर ऑफिशियल्स के बारे में भर भर के गॉसिप लिखी. ठीक है, इसका रेपरकशन बाद में इनको फेस करना पड़ा, जिसके बारे में हम अभी हम पढ़ने वाले हैं. बट बिफोर वी गो इन टू दैट, लेट अस अंडरस्टैंड द बंगाल गजट. अब ये जो बंगाल गजट थी, ये स्टार्ट मैंने आपको कहा था जेम्स हिकी ने नहीं की थी. ये एक न्यूज़पेपर था विच वाज स्टार्टेड बाय गंगाधर भट्टाचार्य, बंगाली आदमी. गंगाधर भट्टाचार्य ने ये स्टार्ट किया था, और ये बंगाली आदमी थे जिन्होंने बंगाल गजट स्टार्ट की थी, एंड इट वाज डिस्क्राइब्ड. सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन हाउ द बंगाल गजट वाज डिस्क्राइब्ड, ये सेम सेंटेंस आपको मग अप करके लिखना है. क्या था? द कमर्शियल पेपर, क्योंकि मैंने इसको कोट्स में लिखा है, क्योंकि अपने आप को डिस्क्राइब ऐसे ही करता था. कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल, इन्फ्लुएंस्ड बाय नन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन. इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आपके सबके व्यूज इनकॉर्पोरेट करके प्रिंट करेगा, बट इसके व्यूज पर किसी एक व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ेगा. ठीक है, मींस इट कैन टेक, इट कैन टेक कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज ऑन द सेम इश्यू एंड प्रिंट देम. ठीक है, मैं कुछ ए कह रहा हूं, मैं कोई और कोई बी व्यू किसी इश्यू पर दे रहा है, दोनों उस न्यूज़पेपर में प्रिंट हो सकते हैं क्योंकि किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है. तो कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, ये था बंगाल गजट का टाइटल. क्वेश्चन, पोटेंशियल क्वेश्चन इन द एनटीएससी, पोटेंशियल क्वेश्चन इन द यूपीएससी, पोटेंशियल क्वेश्चन इन द बोर्ड फॉर वन मार्क. कमर्शियल पेपर ओपन टू ऑल बट इन्फ्लुएंस्ड बाय नन, एंड दिस न्यूज़पेपर वाज फाउंड बाय गंगाधर भट्टाचार्य. ठीक है, इतना आप समझ लीजिए बंगाल गजट के बारे में बहुत है. आगे यहां देखिए कि अब हम ऑगस्टस हिकी पर वापस चलते हैं. देखिए, उसने बहुत गॉसिप लिखी है कंपनी के बारे में, सजा तो मिलेगी. अब सजा किसने दी? कंपनी ही ने ही दी. अब द गवर्नर जनरल अवेकन्स, अब गवर्नर जनरल की नींद खुल गई. उन्होंने कहा, यार ये तो हिकी बहुत लिख रहा है, इसको रोकना पड़ेगा. तो उन्होंने क्या किया, वॉरेन हेस्टिंग्स उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे इंडिया के, एंड ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. अगेन पोटेंशियल एनटीएससी क्वेश्चन, ये पोटेंशियल एनटीएससी क्वेश्चन है, ये पोटेंशियल यूपीएससी क्वेश्चन है. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. और ये गवर्नर जनरल जागे और उन्होंने देखा ये हिकी हमारे बारे में बहुत लिखता है, तो इन्होंने क्या किया, दे परसिक्यूटेड हिकी. परसिक्यूटेड मींस उस पे मुकदमा चलाया. ही वाज ट्राइड इन कोर्ट, गिवन पनिशमेंट. परसिक्यूटेड का मतलब नहीं कि उसका सर काट दिया गया या उसे डेथ सेंटेंस हुई, वो नहीं. परसिक्यूटेड का मतलब होता है दैट या यू आर ट्राइड, आप पे मुकदमा चला है और आपको उसकी सजा मिली अकॉर्डिंग टू लॉ. तो ही वाज परसिक्यूटेड, ठीक है, उस पे मुकदमा चला. अब उसके बाद मुकदमा तो उन्होंने चला दिया, पर उन्होंने कहा यार ये रुकने वाली चीज नहीं है, दिस कैन हैपन एनी टाइम. सो व्हाट डिड ही डू? ही एनकरेज द पब्लिशिंग ऑफ ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स. तो उन्होंने कहा यार कंपनी की तरफ से कुछ न्यूज़पेपर प्रिंट होने चाहिए. सो कंपनी की तरफ से अगर न्यूज़पेपर प्रिंट होंगे तो ये जो भी गॉसिप फैलती है गवर्नमेंट के बारे में, दैट कैन बी काउंटर्ड. तो जो भी गॉसिप कंपनी के बारे में फैलती है, हम उसका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं अगर हम ऑफिशियल न्यूज़पेपर प्रिंट करें. ठीक है, तो दिस वॉज वॉट वॉरेन हेस्टिंग्स प्रपोज्ड. वॉरेन हेस्टिंग्स प्रपोज्ड दैट एनकरेजमेंट ऑफ पब्लिशिंग ऑफ ऑफिशियल न्यूज़पेपर्स कुड बी डन सो दैट गॉसिप अबाउट द कॉलोनियल गवर्नमेंट कैन बी काउंटर्ड. ठीक है, ये थी गवर्नर जनरल होस्टिंग वॉरेन हेस्टिंग्स की थॉट प्रोसेस. तो इफ अ क्वेश्चन कम्स, व्हाट डिड वॉरेन हेस्टिंग्स प्रमोट और इनकरेज टू प्रिवेंट
गॉसिप अबाउट कॉलोनियल गवर्नमेंट, आंसर इज पब्लिशिंग ऑफ ऑफिशियल न्यूज़पेपर। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर है। लेकिन इस सब से हमें पता क्या चलता है, बोलोगे सर हम क्यों पढ़ रहे हैं, सब तो स्टोरीज हैं। पढ़ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि इसका लार्जर इम्पैक्ट ये पड़ता है फ्रेंड्स, कि अल्टीमेटली ये सब हमें ये दिखाता है कि जब प्रिंट इंडिया में आया तो क्या हुआ, लोगों के व्यूज बढ़े, लोग अपने व्यूज दे पाए, एंड पीपल कुड बी मोर ओपन अबाउट पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज। सो अल्टीमेटली ऑल दिस, अब देखो वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी प्रिंटिंग ही प्रमोट की ना, अपना ही न्यूज़पेपर प्रमोट किया बट प्रिंटिंग प्रमोट की। तो अल्टीमेटली चाहे किसी भी रीजन के लिए हुआ हो, दिस ऑल लेड टू द ग्रोथ ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया। चाहे किसी भी रीजन के लिए, इसने भी तो कहीं मिंटिंग मशीन बनाई होगी, इसने भी कहीं प्रेस फैक्ट्री बनाई होगी, तभी तो ऑफिशियल न्यूज़पेपर भी प्रिंट होगा। सो एवरीथिंग लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनियल, सॉरी डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया। हर चीज का इसमें एंड रिजल्ट ये था कि प्रिंट कल्चर इंडिया में डेवलप हुआ। और इसका एक क्लियर एग्जांपल बंगाल गजट है, व्हिच वाज अ वेरी वेरी पॉपुलर न्यूज़पेपर इन बंगाल। करते करते और भी बड़े बड़े न्यूज़पेपर आए, बाद में एक सामना करके न्यूज़पेपर महाराष्ट्र में जो आज शिवसेना चलाती है, वो भी इंडिपेंडेंस से पहले का न्यूज़पेपर। तो आप देख सकते हैं बहुत 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 ही फास्ट रेट पर प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने भी अपना न्यूज़पेपर बनाया, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने स्टार्ट किया, बहुत सारे पब्लिशिंग स्टार्ट हुई बिफोर इंडिपेंडेंस। सो एवरीथिंग लेड टू डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कल्चर इन इंडिया। क्लियर? सो आई होप ये यूनिट भी आपको एब्सोल्युटली क्लियर। एंड बिफोर आई लीव यू विद द क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर, एंड द क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर इज, many in Bengal became literate without reading any kind of texts. Give examples to prove this statement. इसका उत्तर आपको मुझे देना है कमेंट सेक्शन में, राइट अवे राइट अवे राइट अवे इसका उत्तर दीजिए। टेल मी इफ यू नो द आंसर, आई लाइक योर कमेंट इफ यू हैव गिवन द राइट आंसर। एंड विद दिस वी आर डन विद टुडेस लेक्चर। आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट्स ऑफ द नोट्स, नहीं लिए तो पीछे रिवाइंड करके उस टाइम पे जाकर स्क्रीनशॉट लो। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस यूनिट इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट लिखिए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको अगले लेक्चर में जाना है देन जस्ट क्लिक हियर, ऑल द प्लेलिस्ट इज हियर, सब्सक्रिप्शन बटन भी यही है। गुड बाय, स्टे हेल्थी, स्टे स्मार्ट, लुक अप फॉर द नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय बाय।